मध्य प्रदेश के अंतिम छोर में बसा अनूपपुर जिला, जो कि आदिवासी बहुल्य होने के साथ साथ पर्यावरण संपदा, हरियाली, अलग अलग भौगोलिक भिन्नताओं के लिए जाना जाता है। जहां एक तरफ बड़ी बड़ी कोयले की खदानें हैं, साथ ही दूसरी ओर अपनी भौगोलिक सुंदरता का बखान करता पुष्पराजगढ़ क्षेत्र एवं अमरकंटक है, जहां से मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा के साथ साथ सोन जोहिला निकलती है। इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अनूपपुर जिले में 112 अमृत सरोवरों का निर्माण कर नई इबारत लिखी जा रही है। इन अमृत सरोवरों से भूजल स्तर में सुधार, वर्षा जल का संग्रहण, कृषि सिंचाई क्षमता में वृद्धि, मत्स्य पालन से रोजगार, आजीविका संबंधित गतिविधियां एवं पर्यावरण सुधार किया जा रहा है। अमृत वर्षा को सहेजने के लिए तैयार सरोवरों में एकत्रित होकर ये अमृत रूपी जल किसानों की सोना उगलने वाली जमीन को और अधिक उर्वर एवं संपन्न करेगा। मोर नाम है राम सहाय सिंह, ग्राम डिडवा पानी पटपरा टोला। तालाब बंधा हमारे यहाँ इतना तकलीफ रहा, ये बंधा होने से हमको बड़ी सुखी माल मवेशी खेती बाड़ी गेहूँ धान कोदो सब अपना। मछली की पालन सोच रहे हैं कि बंधा बनने के उपयोग मछली भी पालन कर सकते हैं, उसमें भी जी खा सकते हैं। गांव के लोगों को आपस में समूह बनाकर इन सरोवरों में आजीविका संबंधित कार्य, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण पर कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे समूह के ग्रामीण संबल, आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे। मेरे नाम बुद्धि भाई, यहाँ पानी की बहुत समस्या रही, यहाँ भी तालाब बन गया तो हमको बहुत सुविधा हुआ। और तालाब के पानी में हम साग सब्जी लगाएं, गेहूं चना में सब सिंचाई करें, साग सब्जी लगाएं, हमको फायदा हुआ। इस नवाचारी पहल से इन समूहों के सदस्यों में अलग ही उत्साह है। दूरस्थ जंगल के बीच बसे गांव में बसे आदिवासियों, बैगा जनजातियों के लिए पशुधन ही आजीविका का जरिया है। सरोवर निर्माण से मवेशियों के लिए पानी मिलेगा तो पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से नई उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरोवरों से ग्रामीणों के लिए पीने का पानी, साथ ही वाइल्ड लाइफ के लिए भी जीने का सहारा बनेगा। इसके साथ ही कुओं और ट्यूबवेल के जल स्तर की भी वृद्धि होगी, जिससे सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। मैं इस गांव का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। जब से इस गांव में अमृत सरोवर मैंने बना है, कुएं का वाटर लेवल से लेके खेती बाड़ी में या अन्य कामों के लिए, जैसे गांव में दस्तकर्मी होता है नहाने के लिए, या फिर मैंने जानवरों को पानी पीने के लिए, जंगली जानवरों को पानी पीने के लिए कुएं का वाटर लेवल मैंने बढ़ गया। इस कारण भी मतलब काफ़ी सुविधाएं हुई है और सारी सुविधाएं, जैसे सब्जी की खेती के लिए, खेती के साथ साथ गेहूं धान की फसल खेती के लिए हो गया है, जिससे गांव के लोगों के 10-15 घर गांव के जो मतलब हैं काफ़ी लाभान्वित हैं। इस कारण काफ़ी सुविधाएं हुई हैं। अमृत सरोवर एक सरकार की अच्छा स्कीम है। इन्हीं सब कामों के चलते लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्य में सहयोग किया। अमृत सरोवरों के निर्माण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने सतत मॉनिटरिंग की। अनूपपुर कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ ने सरोवरों के निर्माण हेतु कई अतिक्रमित जमीनों को मुक्त कराया। तकनीकी टीम ने साइट सिलेक्शन के बाद लोगों को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा वाटरशेड योजना के अंतर्गत सरोवरों का निर्माण कराया गया। तकनीकी टीम ने पडल निर्माण, हर्टिंग, केसिंग, स्लोप लेवलिंग एवं स्टोन पिचिंग कराई। दिल्ली से आई जल शक्ति मिशन की टीम ने भी सरोवर निर्माण का जायजा लिया। अनूपपुर जिले में 112 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है।
इनकी लागत राशि 19.58 लाख रुपए है, जिससे 11,76,000 घन मीटर जल संग्रहित किया जा सकेगा। इससे 784 किसानों की 560 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जाएगी। अब तक 96 सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है और अब तक 96 समूह बनाकर आजीविका संबंधित कार्यों को कराया जा रहा है, मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन आदि। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना।